हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी आपको दिख रहा होगा मैं कहीं जाने की तैयारी में हूँ और ऑलमोस्ट पहुँचने वाली हूँ, मतलब मैं जा रही हूँ गुजरात। अहमदाबाद से मेरी फ़्लाइट है और अभी मुझे जाना है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से मेरी फ़्लाइट है, तो मेरे साथ मेरे पापा। और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं कुम्हारहट्टी से थोड़ा आगे। और चंडीगढ़ का जैसे जैसे मौसम आपको पता है, आजकल इतनी धूप है, इतनी गर्मी है। मैं अभी पी रही हूँ जलजीरा। सो इसके बाद चलते हैं, हम थोड़ा आगे ही लंच करेंगे। वैसे लंच के लिए रुके हैं यहाँ पे, लेकिन अभी हम लंच नहीं करेंगे। सो स्टे ट्यून, ब्लॉग पे बने रहे। तो आप भी मेरे साथ घूमिएगा, मेरा पूरा सफ़र इंजॉय कीजिए। सो स्टे ट्यून, अभी चल रहे हैं हम, बस चलने ही वाली है। हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ और अब हम थोड़ा लंच करेंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है। तो ये है चंडीगढ़ बस स्टैंड 43 सेक्टर में। सो हम यहीं पे अभी लंच करेंगे। सो हे गाइस, मुझे मिल गया एयरपोर्ट के लिए बस और अब मैं चलूँगी एयरपोर्ट के लिए इस बस में। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो लो जी, हम पहुंच गए चंडीगढ़ एयरपोर्ट और ये शहीद भगत सिंह के नाम से जो है इस एयरपोर्ट का नाम रखा है। ये मेरे पापा जी जो कि बेचारे गर्मी में मेरे साथ साथ चले। रश गाइज, यहाँ से मेरी एंट्री हो चुकी थी, मैंने चेक इन कर लिया था और पापा जी को अब जाना पड़ा था वापस, क्योंकि इससे आगे किसी को भी एंट्री नहीं होती, सिर्फ जो पैसेंजर है वही अंदर एंटर हो सकता है। अब सो हे गाइज, मैंने चेक इन कर लिया था और मुझे मेरा बोर्डिंग पास भी मिल गया था। तो बोर्डिंग टाइम है 6:30, तो अभी मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पर सीटिंग एरिया में। तो अभी मैं यहाँ पे अकेली हूँ, बस लोग आ रहे हैं क्योंकि 6:30 का बोर्डिंग टाइम है। तो काफ़ी टाइम पहले आ गई थी मैं, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी टाइम से रिलेट। सो अभी यहाँ पे वेट करती हूँ, फिर उसके बाद शायद वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी क्योंकि शायद बैठने तक तो मैं शूट भी कर पाऊँ थोड़ा व्लॉगिंग, लेकिन उसके बाद तो फ्लाइट मोड पर रहना पड़ता है फ़ोन पहुँचने तक। सो बाय बाय अभी के लिए। तो हमारी बोर्डिंग हो गई थी, अब मुझे जाना है अपनी सीट पे। मेरी सीट थी 7A विंडो सीट, तो मैं अपनी सीट पे भी बैठ चुकी हूँ। अब टेक ऑफ होने ही वाला है विद इन 15 मिनट्स, मेरा ये बोर्डिंग पास है। आज के व्यवहार टर्मिनल अनाउंस का स्वागत करने का श्रुति, और मैं आपके मुख्य टर्मिनल हूँ, हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। सामान कलेक्ट, क्योंकि हमें अनाउंस किया गया था कि आपका सामान जो है बेल्ट नंबर 4 में होगा। और मैंने यहाँ पे क्लोल कर दी थी, मैंने किसी का लगेज उठा लिया था क्योंकि वो लगेज मेरी लगेज की तरह सेम था, फिर मैंने वो छोड़ दिया नाम देख के। सो हे गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ अहमदाबाद एयरपोर्ट और मुझे बहुत अच्छा लगा फ्लाइट में। सो अभी मैंने अपना लगेज भी कलेक्ट कर लिया है और अब सीधा चलते हैं राज के पास। तो राज मुझे लेने आए हैं यहाँ पे, तो अभी एग्जिट के पास आई हूँ मैं। चलते हैं, थोड़ा भी टाइम लगेगा यहाँ बाहर, फिर मिलते हैं।
बाद। सो ये रहे राज। हे गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ और मुझे राज भी मिल चुके हैं। से हेलो। हेलो। तो अब चलते हैं। कहाँ चलते हैं तुम्हें पता? जहाँ भी चलते हैं। कैब से बस स्टेशन। अच्छा, पापा की कॉल आ रही है पहले। तो लेते हैं अभी यहाँ अहमदाबाद की हवाएं। जाना है हमको बड़ौदा। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ रोम। सुबह के 11 बजे मैं चली थी और अभी कितने बजे? एक। ऑलमोस्ट 14 घंटे मैंने ट्रैवल किया। तो अभी बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ। अभी फ्रेश होती हूँ और मिलती हूँ आपसे सुबह। फिर आपको कल रोम भी दिखाऊंगी। सो अभी के लिए बाय बाय। गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो मेरी हो चुकी है फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग। तो अभी मैं चुकी हूँ यहाँ बालकनी में बाहर। कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने का और लेट पहुँच गए थे। तो अभी है फ्रेश मॉर्निंग, तो चलते हैं जरा बाहर, देखते हैं बड़ौदा की हवाएं। तो है राज। हेलो। कहाँ चलना था हमको? चलो फिर